यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए, इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए। आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में कोई भी बिब्लिट यूट्यूबर बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ बिब्लिट बस्ट के कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड या फिर कह सकते हो वाइफ के बारे में। बड़ा हरामी हो बेटा। सबसे पहली बात, मैं जिस कैरेक्टर की भी जीएफ बताऊंगा वो एक हरी होगी, क्योंकि बिब्लिट बस्ट में काफी ज्यादा कम गर्ल्स कैरेक्टर को दिखाया जाता है और किसी बिब्लिडर की वाइफ या जीएफ के बारे में कोई भी चीज नहीं बताई गई है और हर एक बिब्लिडर एक ही बात बोलता है, लव के कैरेक्टर में अपन जूट नहीं करता है। और यार आज मैं अपने बिब्लिडर्स की गर्लफ्रेंड के बारे में बताने वाला हूँ। और हाँ यार, मुझे बताया कि तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं तो फूटने दो, और बिब्लिट रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर तुमसे लोगों को एंटरटेनमेंट और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलेंगी, तो यार सब्सक्राइब करना तो बनता है। और बहुतों की बकवास तो बिना किसी बकवास के, चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेल की जीएफ के बारे में। तो उसका नाम है हना और बिब्लिट बस्ट डायनामाइट बैटल में वो दिखाई गई है। अब यार मुझे ये बात समझ नहीं आती कि बेल ने इतनी छोटी एज में जीएफ कैसे बना ली। मारो मुझे, मारो मारो मुझे। अगर बात हुई है सीजन 6 के मेन कैरेक्टर की जीएफ के बारे में, तो बिब्लिट बस्ट सर्ज के मेन कैरेक्टर हाइगो हिकारू सिंगल है, क्योंकि उनकी एज तो 11 साल ही है। यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिब्लिट बस्ट के राइटर सोचते हैं कि लव स्टोरी में एज मैटर नहीं करती, और इसी हिसाब से हाइगो हिकारू की भी जीएफ है। हिकारू की जीएफ का नाम है रायका और ये कैरेक्टर बिब्लिट बस्ट सर्ज में दिखाई गई है, और हाइगो की जीएफ का नाम है अकारुमी। यार अगर तुम सिर्फ सोच रहे हो कि जो बिब्लिट बस्ट राइस का मेन कैरेक्टर है ड्रम, उसकी भी जीएफ होगी, तो देखो यार तुम सिर्फ गलत सोच रहे हो। ड्रम एक सिंगल बिब्लिडर है, क्योंकि ड्रम एक ही बात बोलता है, लव के कैरेक्टर में अपन जूट नहीं करता है। अगर तुम से लोग सोचते हो कि सिंगल लाइफ बेस्ट है तो ये बात सही है, लेकिन फ्री डेलावे ऐसा कभी नहीं सोचता। फ्री की भी जीएफ है और उसका नाम है डायना, और ये कैरेक्टर बिब्लिट बस्ट की सीरीज में नहीं दिखाई गई है, और ये एक फैन मेड कैरेक्टर है। और भले ही एक फैन मेड कैरेक्टर है, लेकिन यार फ्री ने भी अपनी जीएफ बना लिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब चाहे तुम सोचो कि भाई तो एक डार्क बिब्लेडर है और उसकी जीएफ कैसे हो सकती है, तो देखो यार भाई चाहे जैसा भी हो उसकी भी जीएफ है, जिसका नाम है चिज़ुको, जो काफी ज्यादा अजीब नाम है, लेकिन भाई कोई सबसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्यार अंधा होता है। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हमारे जैसा कौन सा बिब्लेडर है जिसे जीएफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो देखो यार ऐसे बिब्लेडर का नाम है लुई, और लुई वैसे भी काफी ज्यादा मतलब एटीट्यूड वाला बिब्लेडर है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिब्लेडर है। लेकिन यार भले ही लुई को उसकी जीएफ में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन लुई की जो जीएफ है उसको लुई पर काफी ज्यादा क्रश है, और लुई की जीएफ को उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, और उसकी जीएफ का नाम है नाया। और यार ये जो कैरेक्टर है वो बिब्लिट बस्ट के एनिमे में नहीं दिखाई गई है, ये भी एक फैन मेड जीएफ है। अब यार तुम्हें तो पता ही है कि जो आइगर है वो बिब्लिट बस्ट टर्बो के बाद एक वर्ल्ड चैंपियन बिब्लेडर बन गया था, और ऐसे चैंपियन बिब्लेडर की तो जीएफ होगी ही, और उसका नाम है किज़ुमी, और ये कैरेक्टर भी बिब्लिट बस्ट के एनिमे में नहीं दिखाई गई है, लेकिन यार उससे आइगर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, उससे बस अपनी जीएफ से मतलब है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उन्हें तो पता है कि वर्ल्ड की जीएफ कौन है, लेकिन यार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यार अगर इतने सारे लोगों की जीएफ के बारे में बताया तो वर्ल्ड की जीएफ के बारे में भी बताना बनता है। और वर्ल्ड की जीएफ का नाम है साशा, जो बिब्लिट बस्ट एवोल्यूशन में दिखाई गई थी, और इसे तुम वर्ल्ड का बचपन का प्यार मेरा। अब शू ही ऐसा बिब्लिडर बचा है जिसकी जीएफ के बारे में मैंने नहीं बताया है, तो देखो यार जो शू है उसकी जीएफ का नाम है अकारी, और यार अकारी जो है वो भी बिब्लिट बस्ट के एनिमे में नहीं दिखाई गई है, और अकारी और शू की एज बिल्कुल सेम है। अब यार बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई तूने सारे बिब्लिडर्स की जीएफ के बारे में तो बता दे, लेकिन यार तेरी जीएफ के बारे में तो बता दे। तो देखो यार मेरा मामला कुछ ऐसा है कि मैं जीएफ नहीं बनाता। झूठ बोल रहा है। नहीं यार सच बोल रहा हूँ। म्यूजिक। यार अगर तुम्हारी जीएफ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम सभी लोग सिंगल हो और तुम सभी लोग घर पे बैठकर काफी ज्यादा बोर होते हो, तो यार तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे भी पता चले बिब्लिडर्स ने तो कब से जीएफ बना लिया। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।